दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पर जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है, मैं आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। आज इस कार्यक्रम में हम वो बात करने वाले हैं जो फिर से उस स्थिति की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करती है कि देश का जो माहौल है उसको कैसे बिगाड़ने की और खराब करने की और नफरत से भर देने की सफल कोशिश की जा रही है। आप सब जानते हैं कुछ दिन पहले की घटना है, उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजगंज नाम का एक इलाका है और इस इलाके में दुर्गा माता की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए, हालांकि वो इलाका बताया जाता है कि 80% जो है वो मुसलमान बाहुल्य इलाका है, वहां पे डीजे के साथ हिंदुओं का एक 500 लोगों का जो है वो एक वो निकलते हैं लोग भीड़ में। बताया जाता है कि उसमें से एक जो कि राम गोपाल मिश्रा नाम बताया जा रहा है उनका, वो मिश्रा जी वो जो इलाका है मुसलमानों का वहां से गुजरते गुजरते कुछ वहां पे सूत्रोच्चार भी होते हैं, कुछ ऐसी बातें भी जोर शोर से कही जाती है जिससे कि अगर कोई सुने तो उसका धैर्य का बांध टूट जाए। और फिर बताया जाता है कि मिश्रा जी जो है वो किसी एक मुसलमान के घर पर छत पर चढ़ के उनका जो भी एक उनकी भी कोई ध्वजा वगैरह जो है मुसलमानों के आस्था के प्रति हरे रंग की कुछ होगी मेरे ख्याल से, उसको हटाकर जो है अपना तिरंगा लहराते, तिरंगा नहीं भगवा रंग का झंडा लहराते। उसके बाद उनको बताया जाता है कि खींच लिया गया उस घर के अंदर और उनकी बड़ी क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई। उसके बाद दंगे भड़क जाते हैं और दंगों में फिर आप जानते हैं कि दंगों में जो भीड़ होती है उसका दिमाग नहीं होता, दंगे भड़क जाते हैं, उसके बाद बहुत सारा नुकसान होता है जान माल का। और उसके बाद जो अभी ये पता चला कि वो जो दो आरोपी थे जिस पर आरोप था कि राम गोपाल मिश्रा को खींचकर उनकी हत्या कर दी क्रूरतापूर्वक, उनका एनकाउंटर जो है वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा हो जाता है। हम यहां गुजरात में बैठे हैं लेकिन दंगे हमने भी देखे हैं और दंगों की और ये जो कौमी नफरत जो है सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की जो एक साजिश होती है वो कैसे होती है वो हम भी जानते हैं, हमने उसका रिकॉर्डिंग भी किया हुआ है। तो वो तकनीक और वो रणनीति जो होती है वो हर जगह एक समान होती है, आज हमको उस पर बात करनी है। हमने उत्तर प्रदेश के ही हमारे दर्शक परिवार से ही, लेकिन अब तो हमारे इस मंच के एक तरह से रेगुलर जो है वो साथी बन चुके हैं शैलेंद्र त्रिपाठी जी, जो कि वहां उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में रहकर काफी अच्छा एक मानव सेवा का काम करते हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, हम उनको जोड़ रहे हैं और उनसे समझेंगे कि क्योंकि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, समझेंगे कि ये जो हुआ वो क्या हुआ एग्जैक्टली और क्यों हुआ और इससे क्या प्रभाव जो है आज की तारीख में प्रदेश की जनता पर है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो मैं उनको बुला लूं, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। आपका स्वागत है त्रिपाठी जी आप ही के मंच पर और बस अब बताना आपसे गुजारिश है कि आप शुरू करें क्योंकि हम 20 मिनट में इसको कंडक्ट करके समाप्त करेंगे। तो आप जो आप समझ रहे हैं जानकारी पहले बता दीजिए क्या क्या हुआ एग्जैक्टली, फिर उसके बाद उसका विश्लेषण थोड़ा बाद में करेंगे, बता दीजिए। भाई साहब सबसे पहले तो आपके दर्शकों को आदर सहित प्रणाम, आपको बहुत बहुत नमस्कार। भाई साहब हम अगर लोग कहते हैं हिंदू हैं, अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू का मतलब क्या होता है? मैं एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, हमारे पूर्वज जो पूजा करते थे या हम करते हैं शाम सुबह दोनों टाइम, तो हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की रक्षा हो, लेकिन कर क्या रहे हैं? देश में आग लगाओ, जाति से जाति को लड़ाओ, धर्म से धर्म को लड़ाओ, वोट पाओ, बलात्कारियों की पूजा कराओ, बलात्कारियों को जेल से छुड़ा के वोट लाओ,
ये चल रहा है। अभी बहराइच में जो हुआ है सब वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत निंदनीय घटना है, दर्दनाक जी। मौत की भी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह जी, लेकिन राजनीतिक संरक्षण हो चाहे राजनीतिक तौर तरीके से दंगे भड़कते हैं तो ये ऐसे ही नहीं भड़कते हैं, इसके पीछे की कहानियां होती हैं जी। अगर हमने भी 20-50 मूर्तियां अपने उम्र में प्रवाहित कराई हैं, जल से निकालवाए हैं, आयोजन करवाए हैं, गांव में रहता था तो गांव में भी हमारे मूर्ति बैठती थी, उसका प्रवाह करने हम लोग भी जाते थे जुलूस के माध्यम से, सैकड़ों सैकड़ों मूर्तियां लेके जाते थे जी, 50,000 की भीड़ हमारे साथ होती थी जी। लेकिन हमको तो यह नहीं पढ़ाया गया कि आप जाइएगा तो मुसलमानों के घर के बाहर जब पहुंचिएगा तो यह वाला गाना लगा दीजिएगा कि किसी की माँ बहन की गाली पड़े जिससे, किसी के घर में घुस करके उसके घर का झंडा, अपने धर्म का झंडा लगा दीजिएगा, किसी के मंदिर में जाके हनुमान चालीसा, मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा पढ़ने लगिएगा। ये सब कुछ राजनीति, यूपी में चुनाव आ गया, अब चुनाव जीतने के लिए कुछ न कुछ करना ही चाहिए। काम तो कुछ है नहीं, नेताओं के पास एक काम करने को तैयार नहीं है, रोजगार पे, महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा, खुलेआम लूट चल रही है प्रदेश में, बिजली वाले खुलेआम लूट रहे हैं, तहसील में खुलेआम लूट है, थाने में खुलेआम लूट है, कार्यालयों में खुलेआम लूट है, सबका सौदा होता है। उसके बाद अब इनके पास जनता त्रस्त है तो जनता को मोड़ने के लिए धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और वो होगा कैसे, यही तरीका है। आज दूसरे पक्ष के दो लोगों को गोली मारा गया, इनकाउंटर किया गया जी, वो लोग घर में घुसे, गालियों से भरा, बाजा बजाए, उकसाने जैसे कृत्य किए, उन लोगों पे अभी तक क्या कार्रवाई हुई, कोई सिंगल भी कार्रवाई नहीं हुई है जी। घर जला दिए गए, लोग अनाज के मजबूर हैं, पुलिस के चौकियों में जाके औरतें बच्चे चौकियों में बस गुजारा कर रहे हैं क्योंकि मार दिए जाएंगे, गांव में जाएंगे, ये माहौल बना दिया गया है। अगर इस तरह माहौल बनाया जाएगा, जाति से जाति को लड़ाया जाएगा, वो किया जा रहा है। आप अभी एक बहराइच का मामला मत देखिए सर, या मैं दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा कि खाली बहराइच का मामला मत देखिए, हर जिले में जाति से जाति को लड़ाया जा रहा है, धर्म से धर्म को लड़ाया जा रहा है। अभी आपने एक कहानी सुना होगा लखीमपुर की, एक विधायक है, भाजपा का ही विधायक है, जो जाति से कुर्मी समाज से आता है जी, उसको ठाकुर समाज के लोगों ने थप्पड़ बजाए विधायक में और 7 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। यह हाल तो विधायक का है यूपी में, तो जनता का क्या हाल होगा जी। बिल्कुल सही बात है आपकी, जो वोट खाली वोट ले लो, वोट लेकर के अडानी अंबानी जैसे धनाढ्य, यहाँ भी यूपी में भी बहुत सारे धनाढ्य हैं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे वो अपनी जात को देखेंगे, मायावती बनेगी अपनी जात को देखेंगी, आज योगी बन गए अपने जात को देख रहे हैं, सर इनके जात के लोग किसी को मार डाल रहे, किसी के साथ बलात्कार करते हैं, बहन बेटी के, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती सर, उनको सेफ रखा जाता है। भगवान न करे अगर आज मेरा किसी ठाकुर के साथ झगड़ा हो गया तो ये आप मान लीजिए कि योगी जी के जात के नाते मेरा नाश कर दिया जाएगा, हो सकता मुझ पे मुकदमे ला दे जाए, गोली मार दी जाए, लेकिन उनकी जात वाले को कुछ नहीं होगा, ये माहौल बना दिया गया उत्तर प्रदेश का। मैं ये जो जिनका जिनकी हत्या हुई राम गोपाल मिश्रा जी की, जो युवा थे काफी, पता जा रहा है 4 महीने पहले शादी की थी, मैं इसको अलग एक एंगल से देख रहा हूँ त्रिपाठी जी, मैं ये देख रहा हूँ कि ये राम गोपाल मिश्रा जो लड़का था 25-26 साल का बताया जा रहा है, 4 महीने पहले जिसकी शादी हुई है, वो निकलता है उस मूर्ति प्रवाहित करने के
उस डीजे वाले रैली में उसका घर है, उसका परिवार है, उसकी बीवी है, जो बिल्कुल ताजा तरीन मतलब शादी हुई है, उस आदमी के मन में ये भावना कैसे आ गई कि मैं एक मुसलमान के घर की छत पे चढ़ जाऊं और मैं वो भगवा झंडा जो है वो लहरा दूं। ये तस्वीर में दिखा रहा हूं, ये तस्वीर देख ले, ये तस्वीर है वो तस्वीर जिस पर ये रामगोपाल मिश्रा जो है वो भगवा झंडा लहरा रहे हैं। मुझे ये समझना, मैं तो समझ रहा हूं, लेकिन मुझे अपने दर्शकों को ये समझाना मतलब मुझे लगता है बहुत बड़ा जिम्मा है हम लोगों का। और कोई काम नहीं है क्या करने के लिए हमारे सर जी, पास? सर एक जिस मैं प्रदेश रुकिए रुकिए, मैं अपनी बात पूरी करूं फिर मैं आपको, आप प्लीज अपना फिर कीजिएगा। मुझे ये सवाल है बहुत बड़ा मेरे मन में, आपको क्या जरूरत है किसी और धर्म के लोगों के बीच मोहल्ले से निकलते हुए डीजे पे उस तरह के गाने बजाते हुए? कौन सा सनातन धर्म है ये कौन सी संस्कृति और संस्कार की बात हम लोग कर रहे हैं? ये जो लोग कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप अपना धर्म निभाइए, कौन मना करता है, लेकिन अपना धर्म निभाते निभाते आपकी जो भी धार्मिक क्रियाएं विधियां हैं वो करते करते हमारे किसी ग्रंथ में ये तो नहीं लिखा कि किसी और को आप जो है किसी और को परेशान करें, आप उसके किसी घर पे धर्म में चढ़ नहीं जाएं, लिखा। उसके छत पे चढ़ जाएं और उसका झंडा निकाल के अपना झंडा फहरा दें। और सवाल मेरा सबसे बड़ा जो मुझे चिंता प्रकट करता है वो मेरे मन में वो ये है त्रिपाठी जी और मेरे जितने भी हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं इसको देख रहे हैं, ये सब काम करने के लिए फालतू समय कहां से आ रहा है आपके पास? सर जी, आपके पास बेरोजगारी कोई बिल्कुल रोजगार नहीं है क्या? आपको अपने घर को चलाने की चिंता नहीं है? रोजगार नहीं है। आपको ये नहीं है कि आपकी बीवी 4 महीने पहले आप जिसको शादी करके लाए हैं उसका क्या होगा? आप जिम्मेदार आदमी हैं, आपने अपना गृहस्थ जीवन शुरू किया हुआ है, एक सद्गृहस्थ कैसे जीता है? ऐसे जीता है किसी के घर पे जाके झंडा फहरा के। और माफ कीजिए अगर इसमें से कोई वो जो चिंटू के वो पापा के बेटे हों और उनको तकलीफ पड़ती हो तो पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं यहाँ पे कि ये जो सोच आपके दिमाग में, अगर किसी के भी दिमाग में ये सोच है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सोच है मैं देख रहा हूं, वो जो निकल पड़ते हैं काम धाम कुछ है नहीं और ये सब डीजे पे गाना बजाते बजाते किसी को परेशान करते करते क्या जरूरत है भाई आपको ये करने की? आप जाइए अपने मूर्ति प्रवाहित करनी करिए, कौन मना करता है, लेकिन इसमें इतना हंगामा और इतना शोर शराबा और इतना ये वाहियात प्रकार का बर्ताव क्यों, जिससे कोई और परेशान हो जाए? जो जो उस मुस्लिम घर में अभी जो 2 लोग रहते थे, 2 लोग अभी मारे गए हैं एनकाउंटर में, अगर उन लोगों ने भी जो काम किया वो भी अच्छा नहीं है भाई, वो समझ जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं दोनों देखिए, मैं ये प्रॉब्लम क्या हो रही है त्रिपाठी जी, ये हर तरफ से जो है नफरत भरी जा रही है। अब वो घर में घुस गया तो उनको लगा कि अब इसको छोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने भी जो वो काम कर दिया जो उनको नहीं करना चाहिए था, वहां अगर वो भी थोड़ा बड़ा दिल के जाने देते तो ये इतना बड़ा जो आगजनी और दंगा हो गया है शायद वो ना हो पाता, लेकिन हर जगह पे नफरत डाल दी गई, वो जो नफरत का केरोसिन है वो छिड़का हुआ है भाई साहब हर जगह पे, और इसके बहुत ही बुरे परिणाम अगर यही स्थिति रही तो ये देश को देखने को मिलेगा, ये भुगतने को मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप प्लीज कंटिन्यू सर जी, इस पे मैं 2 मिनट चाहूंगा, क्योंकि हम जो माहौल क्रिएट करने का एक माहौल कैसे बना उस पे आपसे बात करना चाहेंगे। जी बताइए। एक तो आपको बताएं, गोपाल मिश्रा ब्राह्मण परिवार से था जी, और हम भी ब्राह्मण परिवार से हैं लेकिन जातिवादी नहीं है जी, पूजा पाठ हम भी करते हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं, वो बहराइच के हैं, दूसरे छोर से यूपी के ही हम भी हैं जी, फैजाबाद अयोध्या बहुत दूर नहीं है बहराइच से जी। सर एक बात कहना चाहूंगा, इसमें गरीब लोग शिकार बन रहे हैं नेताओं का जी, अब नेता अपराधी दुष्ट ये लोग नेता बन गए हैं, शरीफ कोई नेता नहीं है। इन लोगों को माहौल गंदा क्रिएट करके अपना राजनीतिक लाभ सिद्ध करना है। अभी एक बात बताइए सर,
माटी की मूर्ति लेके हम जा रहे हैं, हम दुर्गा पूजा करके मूर्ति विसर्जन करने, उसमें हमको इतना उन्माद है कि हम किसी के घर में घुस जाएंगे, झंडा उखाड़ देंगे, झंडा लहरा देंगे, माँ बहन की गाली का डीजे पर बाजा बजाएंगे। लेकिन ये मर्दानगी तब कहाँ चली जाती है, ये हिंदुत्व तब कहाँ चला जाता है जब बनारस जैसे जगह पे एक बेटी के साथ तीन लोग भाजपा के कार्यकर्ता लोग बलात्कार करते हैं, उस 3 महीने तक धरना देके तब जाके FIR दर्ज होता है, और छूट के जब जेल से आते हैं तो उनकी केक काट के स्वागत किया जाता है जी, तब ये मर्दानगी कहाँ चली जाती है। हम हिंदू वो हिंदू हैं जो अपनी बहन बेटियों का इसी नवरात्र में आपने भी देखा होगा कि आदित्यनाथ योगी जी हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने छोटी छोटी कन्याओं का पैर धोकर पूजा किया, और उसी उन्हीं के उम्र की 5 साल की 8 साल की 12 साल की कन्याओं के साथ बलात्कार होके हत्या हो रही है जी। कौन सा धर्म की बात कर रहे हैं? मयूर सर, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, बहुत जिम्मेदारी से, कि ये धर्म नहीं है, ये धंधा है, ये धर्म नहीं है। धर्म में चर्बी का प्रसाद की बात आपने सुना होगा, कौन से धर्म में चर्बी का प्रसाद बंट रहा है? किसकी सरकार में? औरंगजेब की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में या में? किसकी सरकार में 8 साल और 7 साल और 9 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होके हत्या हो रही है? राम रहीम किसकी सरकार में सजायाफ्ता आदमी पैरोल पे आके वोट की मांग कर रहा है? आशा राम किसकी सरकार में आके बाहर घूम रहा है? ये कोई हिंदुत्व तो नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, ये धन धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं। धर्म को जब राजनीति से जोड़ा जाएगा तो उसका भयावह स्थिति पैदा होगी। जैसे अभी आपने सुना होगा, थोड़े दिन पहले की बात है, यहाँ पे एक घटना हुई थी। चलो बिल्किस बानो को छोड़ दो, वो तो मान लो मुस्लिम थी, मैं भी मान लिया, नहीं बोल रहा हूं उस पे कि उसके हत्यारों उसके बलात्कारियों का आकर के क्या पूजा हुई है, कैसे उसको बाहर निकाला गया, कैसे फिर में जेल गया। इन लोगों का इतिहास गंदा है, ये लोग नफरत बांटना, लोगों को परेशान करना, गरीबों के घर बुलडोजर चलाना। अभी गुजरात में 5,000 करोड़ का ड्रग्स का पकड़ा गया, किसके घर बुलडोजर चला, किसी की गोली मारी गई, ये खाली धंधा किया जा रहा है और कुछ नहीं है। आपने एक चीज देखा होगा, गौरी लंकेश पत्रकार थी कि नहीं थी, उसकी हत्या गौरी लंकेश जी की हुई थी कि नहीं हुई थी, उसके जब आरोपी छूट के आए हैं तो उनके उनके साथ क्यों पूजा की गई, किसकी सरकार थी? कोई पत्रकार बोलने को तैयार है? आप बताएं सर, एक भी पत्रकार? मर गए हैं सबके जमीर, मर गए, दलाली में, चाटुकारिता में, पैसे कमाने के चक्कर में, टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में जूता चाटने को मजबूर हैं पत्रकार लोग, सवाल करने की औकात नहीं है किसी से की, इसलिए ऐसे माहौल हो रहे हैं। अभी तो एक माहौल हुआ, आगे पता नहीं क्या होगा, हम तो डरते हैं। हम संगठन चला रहे हैं, हमारा संगठन इस पे काम करता है मयूर सर, कि अगर चींटी भी मर गई तो हमें दर्द होना चाहिए, एक जानवर भी मर रहा है तो मौत का दर्द हमको होना चाहिए, एक पेड़ कट रहा है तो पर्यावरण हमारी रक्षा करता, हमारी जिंदगी की रक्षा करता, हमें दर्द होना चाहिए। ऐसा समाज के निर्माण के लिए हम काम कर रहे हैं, ऐसे समाज के निर्माण के लिए हम नहीं काम कर रहे हैं धर्मों में झगड़ा लगा के एक को मरवा दो दूसरे को गोली मार दो, नुकसान तो दोनों समाज का हुआ है, हिंदू का भी हुआ है, मुस्लिम का भी हुआ है, दोनों का हुआ है, ये मानवता के खिलाफ है, ये नेता अपनी रोटी सेक रहे हैं। बात सही है, आपने ड्रग का जिक्र किया तो हम तो रोज कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ड्रग्स का पकड़ा जाना आम बात है, कोई बड़े हमारे लिए अब खबर ही नहीं रही, वो रोज की बात है, आए दिन पकड़ा जाता है, तो उसके बारे में क्या कहें यार, तो मतलब एक एक गांव में सर 500-500 लौंडे बेकार घूम रहे हैं, 500-500 लौंडे मयूर सर बेकार घूम रहे हैं, दिन भर वो खाली या तो ताश खेलेंगे या तो दरवाजे दरवाजे इनके दरवाजे उनके दरवाजे चौकीदारी करेंगे, घूमते रहेंगे, बहन बेटियां देखेंगे, यही सब हो रहा है। अरे भाई साहब, 3 चीजें अभी हो रही है बड़ी, एक तो वो या तो बेकार बेरोजगार जो है उनके पास वो मोबाइल फोन तो रहता ही है,
डाटा बड़ा सस्ता कर दिया है, ये लूडो खेलते रहते हैं या तो ऑनलाइन रमी खेलते रहते हैं या पता नहीं कुछ और, वो मोबाइल में मस्त है सर, वो रील देखते रहते हैं, वो रील देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, रमी खेलेंगे, लूडो खेलेंगे या पता नहीं वाले कुछ। शाम को चूल्हा जलने की व्यवस्था नहीं है, शाम को चूल्हा जलने की व्यवस्था के लिए बाप सुबह 9 बजे निकल गया, रात को 10 बजे आएगा, बच्चों को खिलाने के लिए व्यवस्था करने निकला हुआ है, और बच्चे दिन भर रील बना रहे हैं, हिंदू जिंदाबाद और मुस्लिम जिंदाबाद कर रहे हैं, ये देश के लिए खतरनाक स्थिति है, अच्छी स्थिति नहीं है सर, किसी समाज के लिए भी अच्छी स्थिति नहीं है, ना हिंदू के लिए ना मुस्लिम के लिए। हम लोग अगर अगर दो सगे भाई आपस में झगड़ा करके एक घर का विकास नहीं कर सकते तो हम दो धर्म या दो जाति में बंटवारा करके देश का विकास कैसे हो सकता है? कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी ज्ञानी हो, जरा समझाए। जब ये समझना है देश के लोगों को, इस बात को हमारे देश के नागरिकों को समझना, ये हम और आप तो समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये समझ उन तक पहुंचे जो नहीं समझ रहे हैं, है ना। ये आप लूडो खेलेंगे, रमी खेलेंगे, क्रिकेट का बैटिंग करेंगे, पता नहीं कुछ रील्स देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, और अगर डीजे के ऐसे विभत्स और उन्मादी ताल और सुर के साथ अपने जीवन को बर्बाद करेंगे और अपने आसपास वालों को भी अगर बर्बाद करेंगे तो भाई साहब हो चुका विश्व। राजनीति, राजनीति की स्तर इतनी गिर चुकी है मयूर सर, प्लीज, राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, गाड़ देंगे, ये कर देंगे, ये एक ना संत की भाषा है और ना एक पदाधिकारी संविधान पे बैठे व्यक्ति की भाषा है, और उसका अनुसरण छोटे लोग करते हैं, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके पालन करने वाले वो लोग उसका अनुसरण करते हैं, वही हो रहा है, वही हो रहा है। भाषा की भाषाई मर्यादा जब स्तर गिरेगा तो उसका समाज पे असर जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। यही आज जो है दिल की भड़ास भी निकालनी थी, और जो सच था इस पूरी उस ये बड़ी दुखदायी घटना के पीछे का सच हमें आप तो दर्शकों को पहुंचाना था, तो हमने और त्रिपाठी जी ने मिलकर आप तक पहुंचाया। त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका, आपने समय निकाला और आज हमारे साथ इस बात। धन्यवाद सर, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों ये बस था कुल मिला के जो हमारी बात है वो ये है, लंबी बात नहीं करूंगा, वैसे जो कहना था कह दिया है, और इस पर जितना भी कहे उतना कम है, कि ये कोई तरीका नहीं है विश्व गुरु बनने का। अगर आपको कोई अगर वो गुट्टी चटा रहा है ना, मत चाटिए इसको, ये जहर है, ये शहद नहीं है, ये बता दे आपको, और इसका दुष्परिणाम शायद अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तो आ रहा है, मेरे जैसे कुछ लोग हैं उनको भी आ रहा है। तकलीफ की बात यह कि ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है और इसलिए ज्यादा चिंता हो रही है। तो बस दो हाथ जोड़ के विनती है, गुजारिश है आप सबसे कि जो भी इस जहर को चाट चुके हैं, थोड़ा थोड़ा इलाज करवाएं अपना, क्योंकि नफरत वाली बात और उन्माद वाली बात, वो भी धार्मिक उन्माद, ये कहीं आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, इस देश को कहीं का नहीं छोड़ेगी। आप, मैं कहता हूं मत कीजिए, अगर आपको नहीं लगता है कि किसी से आपको प्यार करना है या तो उससे स्नेह रखना है, मत रखिए, लेकिन नफरत रखने की क्या जरूरत है, मैं ये पूछना चाहता हूं भाई। आप रखिए, आप अपने अपने काम से काम रखिए, वो जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स या वाई या जेड कोई भी हो, आप उससे दूरी बनाए, काम से काम रखिए, अपने काम से आप अपना काम करते रहिए, वो अपने उनका काम करते रहेंगे, नफरत करने की क्या जरूरत है, मुझे समझ नहीं आता। और क्यों, मतलब वो आप वो राम गोपाल मिश्रा को लेकर मुझे ये सवाल बार बार मन में उठता है, 4 महीने पहले शादी किया हुआ युवा लड़का, उसको अपनी बीवी तक की भी पड़ी नहीं है क्या, जिसको शादी करके लेके आया, उसका परिवार है, उसकी बहन है, और भी लोग हैं, भाई है उसका, किसी की नहीं पड़ी है। क्यों, मतलब क्यों जाके किसी के घर पे जाके झंडा ले रहा ना, मुझे समझ नहीं आता।
क्यों डीजे पे वो ऐसे गाने बजा रहे हैं जिससे जहां से जिस मोहल्ले से गुजर रहे हैं वहां पे जिस धर्म के जिस जात के लोग रहते हैं उनकी भावनाएं भड़के, उनकी भावनाओं को ठेस लगे, ऐसा क्यों करना है? और क्या मिल जाएगा आपको? रोजगार मिल जाएगा, आपके घर के छत सोने की बन जाएगी, क्या क्या होगा उससे? यही कहना था भाई, आपकी मर्जी है। आपने जो इस बातचीत को सुना है आप कैसी लगी आप कमेंट करके हमको बताइएगा, है ना? और आपको ये बात अगर कहीं आप तक पहुंची है ना, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं चाहूंगा आप हो सके उतना इसको शेयर करें। और ये आप ही का जो मंच है जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं ताकि सच, चाहे वो बहुत कड़वा भी क्यों ना लगे, लेकिन वो आप तक और सब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ये कहूंगा मैं, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी का जो कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।